नाइमा अब शादी पर ही आएगी। बहुत खुश थी, कह रही थी शादी होते ही गांव में सबको बता देगी, तुम्हारे मामा को भी। ज्यादा पढ़ा लिखा अगर क्या करना है इसका, क्या कर लेगी ज्यादा से ज्यादा, 3-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेगी। कितनी अजीब बात है ना, मामा के सामने मैं अफसर बनकर जाना चाहती थी, और अब दुल्हन बनकर जाऊंगी। मुझसे शादी करके तुम्हारी इज्जत में कोई कमी आ जाएगी, ऐसा लगता क्या तुम्हें? बताओ मुझे, बताओ, अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते में हायल हो रहा हूँ तो तुम बेशक मुझसे शादी से इनकार कर दो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो आज, तुमने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, और इस बात की मुझे बहुत कदर है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें तुम्हारे इस फैसले पे कभी पछताने नहीं दूंगा। उम्मीद तो मुझे भी तुमसे यही है। मैं तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा, मुझे यकीन है। ऑफिस से देर हो रही है, मैं चलता हूँ। खाला शरीफा को मेरा सलाम कह देना। ये आपकी नई नवेली महारानी का ना हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उस दिन की मार कुटाई से भी कोई सबक नहीं सीखा इसने। अब क्या कर दिया नेकबख्त ने? सहन की झाड़ू लगाने जाती है तो घंटों लगा देती, और घर के काम तो चुटकियों में ये जा वो जा। वैसे भी घर के काम करते हुए मौत आती है उसको। कहना क्या चाहती हैं आप? मुझे क्या कहना है, बस यही कि मोहल्ले के नौजवान लड़कों से आंख मटक्का करती फिर रही है। हर वक्त शक, हर वक्त तफ्तीश, बगैर किसी सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना गुनाह होता है। सच बताएं, आपने अपनी आंखों से देखा है ऐसा कुछ? बस मेरी जबान का तो आप भरोसा करते ही नहीं। वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, आप ठहरे बुढ़े कुसट, और मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं, ऊपर वालों का लड़का नौजवान लगभग उसी की उम्र का है। कारोबार के सिलसिले में आप 10 बार घर से बाहर जाते हैं, और मैं तो घर की दहलीज लांघती नहीं हूँ। कल को कोई गुल खिला के आ गई ना तो मुझसे मत कहना। अल्लाह ना करे। देखें, आपकी छोटी बहनों जैसी है वो, ख्याल रखा। खबरदार, हमारी छोटी बहनें ऐसी नहीं है। चाय पी लें, अभी घर में ही है। हाँ।